आपका पोल्यूशन प्लांट चल रहा है, उसके बाद जो भी आपको धुआं दिखाई दे रहा है ना, ये फिल्टर होकर के फिल्टर वाल कर, ये हार्मफुल नहीं है वैसे, इतना हार्मफुल नहीं है, एक क्लीन है ना पूरा, मतलब इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये काफ़ी कंसर्न का बात आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने रखा है। इनफैक्ट जब लेखी में जो इंडस्ट्री है काफ़ी पोल्यूशन वहाँ से करता है, हमको भी दिखा है, तो मैंने तुरंत जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हमने मैसेज कराया कि इसको चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा जो पहचान है हमारा यहाँ ग्रीनरी, उसके ही हम लोग, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, हम लोग अपना नेचर को भी प्रिजर्व करते हैं, तो ग्रीन को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नो डाउट हम लोगों का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंडस्ट्री चाहिए, बट हमारा पैरागेटिव ये रहेगा कि वी नीड इंडस्ट्रीज बट इट शुड बी नॉन पोल्यूटिंग, जो नेचर को हार्मफुल ना करे। तो जितने भी जो अभी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो अरुणाचल में जो यहाँ इस्टेब्लिश जो पुराना ज़माने से चल रहा है, उसको मैं अभी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अभी रेगुलर चेयरमैन तो अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उसका अभी सिलेक्शन कमिटी हम लोग ने बैठा दिया है, तो रेगुलर जो चेयरमैन आने के बाद अभी टेम्पररी हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है वो अभी हेड करेंगे, तो उसको भी मैं कहूँगा कि इस मैटर में जल्द से जल्द विजिट किया जाए और जो भी कमियाँ हैं उसको तुरंत सुधार किया जाए। वेस्ट कामेंग जिले में और भालकपुंग में है ये एक स्टील फैक्ट्री है, जहाँ पे ये आरोप लगाया गया था कि इसमें यहाँ से जो धुआं निकलता है वो वातावरण को प्रदूषित करता है, लेकिन यहाँ सारी मशीनें लगाई गई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, यहाँ पे कहा गया था कि आप मशीनें लगाइए जिसकी वजह से इस ये धुआं जो हार्मफुल ना हो, जो धुआं निकलता है इस फैक्ट्री से वो प्रदूषित ना करे, इसके लिए इसको फिल्टर्स किया गया था, वही हम जानेंगे। यहाँ पीआरओ है इन कंपनी के, अच्छा से हो रहा है अभी, ये जो बड़ा दो चिमनी का धुआं निकल रहा है, बड़ा दो चिमनी का धुआं निकल रहा है, बिल्कुल वो बाहर नहीं है, उसका यहाँ से खींच के यहाँ से पॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ये सारा मतलब पॉल्यूशन मूव है यहाँ में। कहा गया था कि कुछ कितना मात्रा होना है, अभी आप लोग यहाँ पे मशीनों से पूरा होता है? हम लोग का यहाँ में पूरा मशीन है लगा हुआ है, और जो बार बार का जो थोड़ा बहुत धुआं निकाल रहा है ये भी अभी इरेक्शन किया हुआ है, अभी मोटर वोटर लगा के अभी उसी में कनेक्शन किया हुआ है, कोई बार में ये नहीं है, ये बड़ा बड़ा मोटर नया नया लगाया गया है, ये अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। लेकिन जो अरुणाचल का ये आपका पॉल्यूशन बोर्ड वाला ने भी हम लोग को अभी ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया हुआ है, अभी हम लोग ऑरेंज जोन में है, रेड जोन वो जोन कुछ नहीं है, हम लोग का ये पॉल्यूशन बोर्ड ने भी हम लोग को शिलोंग मेघालय वाला ने इसने ये किया है, हम लोग का अभी ऑरेंज जोन है, हम लोग का कोई दौड़ने का बात नहीं है। और ऐसे फैक्ट्री में बनता क्या है, क्या 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 बनता? यहाँ सिलिकॉन बनता है, और सिलिकॉन बनता है रॉ मेटल बाहर से भी आता है अरुणाचल से भी आता है, आपको हम लोग का यहाँ में कोई ख़राब चीज़ नहीं बनता है, सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन ही बनता है यहाँ में। क्या क्या चीज़ क्या क्या चीज़ों से बनता है, कुछ सामान क्या क्या आता है? सामान आपको ये ऊट सर्कल आता है और कोक सर्कल कोक आता है, और उसके बाद में तो वो खराब चीज़ नहीं आता है, ये सब भी अभी कोयला बोलने जाएगा तो आपका पत्थर कोयला जो है ना कोक जो है वो भी फिल्टरिंग किया हुआ है बाहर से, उसमें भी धुआं नहीं निकलता है, कि जो धुआं निकलना था वो बाहर जैसे हम लोग का दूसरा फैक्ट्री से जो लाता है वही खत्म किया हुआ है, उसके बाद यहाँ वो फिनिशिंग प्रोडक्ट आके ही हम लोग लगाता है। ये सब है, ये कहीं फेंका जाता है जो निकलता है ये सब? लेकिन यहाँ में ऐसा है जितना ये डस्ट कला है वो हम लोग बाहर फेंक कोई एक जगह में डंप करता है, और पोल्यूशन का जो डस्ट है वाइट वाइट वाला ये जो है ये हम लोग रिटर्न फिर बेच जाता है, सीमेंट के लिए जाता है आदमी लोग, सीमेंट के लिए और ओलो ब्लॉक एक लंबा वाला ईटा बनता है उसके लिए जाता है, कोई हम लोग वेस्टेज नहीं फेंकता है यहाँ में, अभी हम लोग का कोई कमियाँ नहीं है और सब कुछ ठीक है अपना पास। अभी आप भी देखिए, आप भी देख सकता है कहाँ से धुआं निकल रहा है क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं है अभी, मतलब ऑरेंज जोन नहीं है हम लोग के पास। देखिए वो बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ है, आप उसमें भी देखिए, दिखाइए आपका कैमरा उधर घुराइए देखिए, और ये पाइप को देखिए, ये पाइप जो बाहर बाहर में धुआं निकल रहा है उसी में उसी को लगा हुआ बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, देखिए अभी कितना धुआं है, दोनों फर्नेस चल रहा है। नाम है कंपनी का, पूरा नाम? कंपनी का नाम प्लेटिनियम हेलोय है। कितने सालों से यहाँ पे? अभी ये सिक्स से चालू किया। आपका नाम क्या है? पीआरओ है यहाँ? मेरा नाम निक्सु रामदासो है। पॉल्यूशन से अगर लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग को भी दिक्कत होगी अगर यहाँ पे होता है तो?
ऐसे बात है भाई साहब, यहाँ में पॉल्यूशन, यहाँ का पब्लिक जो रहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु हम लोग सब बहुत बस्ती का एम्प्लॉय है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आदमी है बाहर वाला आदमी लोग बोलता है प्रॉब्लम, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ रहने वाला आदमी, कोई आदमी, एक बच्चा बूढ़ा आदमी, कोई कंप्लेन नहीं है, हम लोग का कोई पब्लिक का शिकायत नहीं है यहाँ। लोकल लोगों को भी रोजगार मिलता है इस फैक्ट्री? लोकल वाला यहाँ 30% है, लोकल वाला 30% है। यहाँ में सुपरवाइजर है, हम लोग PRO 2-3 है, और यह बहुत आदमी सर्विस करता है, उसमें कोई ये नहीं। हम लोग जितना सिक्योरिटी गार्ड है, हम लोग तो सिक्योरिटी की जिसको हम लोग को तो सबको तो रोजगार तो मिल ही रहा है। लोकल से भी अगर होता है तो वो कंपनी के अंदर जो जैसे फॉरेस्ट से जो परमिट का हिसाब से परमिट कागज़ लेके ऐसे लिया जाता है सामान। धुआं को कंट्रोल करने के लिए यहाँ मशीनें लगाई गई हैं? हाँ, यहाँ धुआं को, ये पोल्यूशन मशीन है, आप लोग देख सकता है, ये पोल्यूशन मशीन है। मशीन में हम लोग ये उसमें रुकाने के लिए पोल्यूशन से हम लोग बना देता है, या पोल्यूशन मतलब नहीं होने के लिए ये कर दिया है। कब से काम कर रहे हैं आप इस फैक्ट्री? हम अभी 3 हो गया, हाँ 3 में बैठा हुआ। क्या क्या बनता है इस फैक्ट्री में? इसमें आपको ये है, आपको पत्थर से बना के इसको सिलिकॉन बना जाता है, सिलिकॉन। सामान कहाँ से आता है ये सब सामान? ये सामान जो आपको शिलोंग से आता है, शिलोंग से पत्थर आ जाता है, उसके बाद ये मटेरियल कुछ कुछ तो बाहर से आता है। हम नवीन नतों क्या काम करते हैं? हम यहाँ में सिक्योरिटी गार्ड है।